शायद दुनिया भर की खबरों की जो स्टडी करते पढ़ते रहते हैं सारी दुनिया के हालात उन्होंने पता होगा। अज तो कोई 7 साल पहले बंबई में एक जोगी ने ऐलानिया किया सी कि मैं समुद्र उत्ते इंज चलांगा जिमें जमीन पर चली दे। चौपाटी के तट के उत्ते मैरिन ड्राइव जो खास एक इलाका है बंबे का समुद्र का किनारा, कोई 1.5-2 लाख मनुख जमा हो गए उत्थे, बड़ी भीड़ देखण लई कि पानी ते चलेगा। पता नहीं कितने फोटोग्राफर पहुंचे, कितने टीवी कैमरे पहुंचे, कितने अखबारी रिपोर्टर पहुंचे उत्थे। और जैसे ओ एन कोई 200-300 फुट दूर सागर विच गया ते चलन की कोशिश की थी, नहीं चल सके, उन्हें तैर के इस पासे आना पड़ा। और उन्हें माइक्रोफोन ते इतना आख्या कि लखां मनुख जो मैनू देख रहे ने, इन्हां दी तकनी दे नाल इन्हां दीआं तरंगां इन्हां दी वाइब्रेशन मेरे नाल इतनी टकरा रही है, मेरा मन निकागर हो रहा। पर मैं अर्ज करा बिल्कुल ठीक कह रहा सी, गलत नहीं कह रहा सी, वो चल लैंदा सी। तमिलनाडु दा योगी सी, पानी ते चल लैंदा सी। पर कई दफा 2-4 बंदे भी बैठे होन ते मन एकाग्र करना औखा हो जाता है। तुसी अमृत वेले जप करना तो इतना महसूस हो एक 2 होर बैठे एकाग्रता भंग हो जाएगी, मुश्किल है। तेनू कहते हैं व्यक्तिगत बंदगी, एक होंगी समूहक बंदगी कि तुसी कीर्तन सुन रहे हो, कथा सुन रहे, समूहक बंदगी कट्ठी। पर गुरमंत्र का जप वाहिगुरु वाहिगुरु यह समूहक बंदगी नहीं है, यह व्यक्तिगत बंदगी कल्या। इसे सार किताबली का करता कहें भोजन भजन खजाना नारी चारों पड़दे के हितकारी, एवं नहीं कह रहे कि भजन पढ़ते चाहिए, नहीं तो हो भी नहीं सकेगा, एकाग्रता छेती भंग हो जाएगी। उन्हें कहा भाई यह लोगों तुसी मेरे ते भरोसा करो भावे ना करो, तुसी इतने एक टिक होके जो मैनू देख रहे हो इतनी बेसबरी नाल थोड़े देखण नाल इतनिया मेरे नाल लहरां टकरा रही ने, मैं एकाग्र नहीं हो रहा, मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है, तो मैं चला किस तरह? उन्हें चल लैंदा सी।